आज आपको एक ऐसे शख्सियत के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी उम्र महज 20 साल है, लेकिन कुछ कर गुजरने की तमन्ना थी जो इसे आज इस मुकाम पर ला खड़ा कर दिया गया। हम बात कर रहे हैं प्रिया राज की। प्रिया राज एक ऐसा नाम है जिसे परिचय की मोहताज नहीं है। वो लगातार हर मुद्दे को लेके वो पूरे बिहार में तत्पर दिखती है, लगातार लोगों के बीच में रहती है। ये प्रिया राज पप्पू यादव की पार्टी में सूत्री बम के नाम से भी जानी जाती है। अगर बात कर ली जाए, जब मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ था तब प्रिया उस समय सुर्खियों में आई थी जब इन्होंने ब्रजेश ठाकुर के मुंह पे कालिक पोती थी। खुद अजय भारत के साथ प्रिया मौजूद है। प्रिया, कम उम्र लेकिन कारनामे बड़े बड़े। जी बिल्कुल, हम तो अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस लोगों की मदद कर रहे हैं। और जब हम लोगों की मदद करते हैं और उनके चेहरे की जो मुस्कुराहट देख के हमको जो राहत मिलती है वो हम आपको बता नहीं सकते हैं। अभी भी मैं अभी पानी के बीच में ही हूँ, देख सकते हैं मेरा पैर कट गया है। मैं लोगों के पास पहुँच रही थी तो मेरा पैर कट गया, इसीलिए मैं ट्रैक्टर पे आके बैठ गई हूँ। आज 6ठा दिन है लगातार लोगों की मदद कर, और ख़ास करके महिलाओं की जो बहुत सारी प्रॉब्लम है जो कि वो महिला किसी को बता नहीं सकती है और कोई उसे हेल्प नहीं कर सकते हैं किस। और हम बाढ़ में घूम घूम के सभी महिलाओं को घर घर जो सबसे ज़रूरत की चीज़ होती है सैनिटरी पैड महिलाओं के लिए वो हम बांट रहे हैं। और बता दें आपको कि सैनिटरी पैड के लिए महिला पहले बहुत संकोच करती थी, दुकान जाती थी तो उसको छुपा के लाती थी, किसी से बताने में भी वो मतलब झिझक होता था उनको। लेकिन आज इस 6ठा दिन है, उस घड़ी में इतनी मुसीबतें आ गई है कि जब उसको पता चल रहा है कि मैं उसके पास सैनिटरी पैड लेके पहुंच रही हूं तो वो सारा कुछ छोड़ के दौड़ के मेरे पास आती है। प्रिया, एक अगर बात कर ली जाए सीधे तौर पे, ब्रजेश ठाकुर जो बहुत बड़ा नाम है, मुजफ्फरपुर बालिका कांड में उसके मुंह पे कालिक पोता गया और वहाँ से कालिक पोतने के बाद आप निकल भी गई आराम से, उम्र सिर्फ 20 साल, लेकिन कारनामे बड़े बड़े, डर नहीं लगता है? डर तो उसको हम लोगों से लगना चाहिए, उससे हम क्यों डरेंगे? वो आरोपी वो है, बलात्कारी वो है, गलत वो करते हैं। देखिए, लोग कहते हैं कि महिला बहुत कमज़ोर होती है, बिल्कुल नहीं, महिला तो बहुत मजबूत है। अगर वो मजबूत नहीं होती तो एक मर्द को पैदा नहीं कर सकती थी। महिला तो इतनी मजबूत है कि वो एक मर्द को पैदा करती है, तो वो कैसे कमज़ोर हो सकती है? और मुझे डर नहीं लगता है क्योंकि बिहार में किसी न किसी को आगे आना है। अगर आज लोग कह रहा है कि प्रिया तुम सिर्फ तुम ही तो कर रही हो और लड़की कहाँ करती है, तुम क्यों कर रही हो, तो मैं उन लोगों को बता देना चाहती हूँ कि मैं आज अगर मैं आगे आती हूँ तो शायद मेरे देखने से बहुत सारी लड़की जागरूक होंगी और वो भी आगे आएंगी। जब एक प्रिया आगे आएगी तो बहुत सारी प्रिया घर से निकलेगी। तो बिहार में कहीं ना कहीं महिलाओं को दबाने की कोशिश किया जा रहा है, सिर्फ बिहार में ही नहीं पूरे देश में महिलाओं को दबाने की कोशिश किया जा रहा है, उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। वो कुछ भी करना चाहती है, बोलना चाहती है तो उसको चार दीवारी के अंदर बंद कर देना चाहता है। प्रिया, आपके उम्र में लड़कियां कॉलेज जाती है, घूमती है, फिरती है, एंजॉय करती है, लेकिन आपने दूसरा ही रास्ता अख्तियार किया। बिल्कुल, मेरे पापा बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरी मम्मी भी बहुत सपोर्ट करती हैं क्योंकि मैं अच्छा कर रही हूँ और दूसरे की खुशी के लिए मैं बचपन से ही मैं देखती हूँ, मैं हमेशा, मेरी माँ मुखिया रही, पॉलिटिकल फैमिली से ही हूँ मैं, लेकिन मेरी माँ जब मुखिया थी तो मैं बच्चे छोटी सी तभी से मैं उनके साथ रहती थी और लोगों को मदद करती थी। मैं जब मेरी माँ जब गलत करती थी लोगों के साथ थोड़ा भी, तो मैं वहाँ भी आवाज़ उठाती थी कि मम्मी किसी के साथ गलत मत करो क्योंकि आपको जनता ने चुना है आपके लिए। मैं अपनी माँ को भी बोलती थी, ऐसा नहीं कि पूरे बिहार के लोगों को मैं बोल रही हूँ, अपने घर में नहीं, मेरी माँ को भी मैं अपनी समझाती थी कि माँ ऐसे मत करो। मैं बचपन से ही, मेरा शौक ही है लोगों को सेवा करना, मदद करना। और इस तरह से देखिए, मैं भी कॉलेज जाती हूँ, मैं PU के स्टूडेंट हूँ, अभी मैं PG कर रही हूँ, वहाँ से मैं भी कॉलेज जाती हूँ, मैं भी पढ़ाई करती हूँ, लेकिन आजकल देखते हैं कि हेल्प और लोगों को मदद करना लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं, बस दिखावा करते हैं, लोगों को बीच में छोड़ देते हैं। राजनेता सबको, बड़े बड़े राजनेताओं को देखते हैं कि वो चुनाव से पहले आते हैं, बड़े बड़े वादा करते हैं कि जो भी है हम सब हेल्प करेंगे, लेकिन जब चुनाव जीत के जाते हैं तो वो दिखाई भी नहीं देते हैं। खास करके आधी महिला आधी आबादी की हम बात करते हैं, हम हमेशा हम सभी महिलाओं महिला आबादी की बात करते हैं कि हमें आरक्षण चाहिए, लेकिन महिलाओं को आरक्षण तो मिलता ही है, अभी भी देख सकते हैं संसद में। पप्पू यादव से आखिर इतना जुड़ाव?
मैं जब पटना आई, मैं फर्स्ट टाइम जब पटना आई तो मैं उनका काम को देखकर यूट्यूब पे, फेसबुक पे, न्यूज़ चैनल के माध्यम से, लोगों के माध्यम से उनका जो काम था, खास करके छात्रों के बीच में और महिलाओं के लिए, मैं उनको शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। मैं उस समय उनका काम को देखी तो बहुत प्रभावित हुई हूँ मैं कि भाई बिहार में भी ऐसे नेता है। और सबसे मेन चीज़ है सांसद पप्पू यादव की, मैं बता दूं आप लोगों की, कि उनका करैक्टर इतना अच्छा है कि इस देश में, मतलब अगर नेता का करैक्टर की बात बता दें तो आप लोग भी समझ सकते हैं किस तरह का उनका घिनौना आता है। जारी रहेगा ये लोगों के बीच में? बिल्कुल। मैं जब तक जिंदा हूँ, अगर मुझे कुछ हो जाए तो वो मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मैं जब तक मेरे अंदर सांस चल रही, मैं लोगों के बीच जाऊँगी, लोगों की मदद करूँगी और गलतों लोगों को मैं छोड़ूंगी नहीं। देख लीजिए, ये प्रिया राज है, लगातार हर एक मुद्दे को लेकर जनता के बीच में रहती है। और अभी भी तस्वीरें में साफ तौर पे देख सकते होंगे पप्पू यादव लगातार लोगों के बीच राहत कार्य बांट रहे हैं। जिस प्रकार से 6 दिनों से जो प्रिया लोगों के बीच जा रही थी, लोगों को राहत सामग्री बांट रही थी, जिसमें उसकी पैर की भी स्थिति गंभीर हो गई, और सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि लोगों को कहीं ना कहीं सीख लेने की ज़रूरत है। और प्रिया ने सीधे तौर पर बताया कि जिन बिहार में अगर किसी तरह की समस्या होगी तो उसको लेके वो जनता के बीच में हमेशा रहेगी। रोहित यादव, अजय भारत, पटना।